शेर चुनमुनलाल की बिटिया जवान होगी बे जवान, ओका शादी करे खातिर शेर चुनमुनलाल एक भर्ती निकाल भर्ती तब हमारे बाबू रोटी खा लेते चूस लेते जौन कुसुलिये बचा था ओका बर्धोक पिठिये पर रख देते तब बर्धोक पिठिये पे आमे पेड़ जामा था तब हमारे बाबू अमोक कर छहाबो करते ऐसे हरव जोता थे। पड़ोस के घर में एक चीटी घुसने के कारण उसके फ्रिज में रखा हुआ एक क्विंटल मिठाई साफ। ये सरवा चीटी रही कहाँ थी, हमें तो लागत है टरक ले घुसी रही का, थोड़ा जाए दे। बगल के गांव में एक आदमी की बेटी हुई फरार। हमारे बेटी ये शादी करे लाए हो गई बे, यू का तो शादी कर दे क्या, रुका बोला पूछ ले बिटिया। ए बिटिया। हाँ बाबू। यहाँ बताओ। आओ तो ही। का बाबू? बिटिया, अब तू सयान हो गई हो। तो हम का करी बाबू? तू कुछ दिन करा बिटिया, हम सोचे तो तोहर शादी कर दे तू अपन अच्छे से घर बसा ले। अच्छा माँ बिया करे सोचता है? हाँ। तब तो हमरे बारे में अच्छा ही सोचता है, लेकिन एक बात है बाबू। का बात है? हम कौनो ऐसन वैसन लड़के से बियाह ना करब। हाँ, तब कैसे लड़के से बियाह करबो? हम ऐसा लड़के से बियाह करब जौन एकदम साफ साफ बढ़िया झूठ बोले और लोग ओकरे बात गौर कह के ओकरे झूठ के सही मान ले। अच्छा। हाँ यही ना, एक बात और। एक बात और? उका बिटिया यह बाबू कि जौने लड़के से हमारे बियाह करबा पहले उसे तीन झूठ बोलवाए के ओकर परीक्षा ले लिहा, अगर वो तुहरे परीक्षा में पास होगी बा तब हम उसे बियाह कर लेबे। चल ठीक है बिटिया, जब तुहार यही पसंद है तो हम तोहरन पसंद के लड़के से तोहर शादी कर भाई। हाँ हाँ, अब जा तू अंदर जा। ठीक है बाबू। हाँ एक काम करी, गोधनक बुलाई और पूरा क्षेत्र में ढिढोरा पिटवाई दे कि जवान लड़के सबसे तेज सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा झूठ बोले में होई उसी हम अपनी बेटी की शादी करवाई दे। हाँ गोधना, ए गोधना, गोधना जी मालिक ये आओ। आवत है जी मालिक। एक काम कर। हाँ मालिक बतावा। जा पूरे क्षेत्र में ढिढोरा पीट दे, शेर चुनमुनलाल अपनी बेटी की शादी कराई चाहता है और ऐसा लड़के शादी कराई चाहता है जो झूठ बोल के सही साबित कर दे। ठीक है मालिक, जाती तब। और सुन। हाँ मालिक। और ये कह दे कि जे झूठ बोल के सही ना साबित कर पाए ओका कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है मालिक। और हाँ आज 3 बजे भर्ती है। भर्ती? अरे मतलब कि सभा बैठे। ठीक ठीक, जाती तब। सुनो सुनो सुनो, घर वाले गांव वाले नगर वाले क्षेत्र वाले, एक जरूरी सूचना, शेर चुनमुनलाल की बिटिया जवान होगी बे जवान, ओका शादी करे खातिर शेर चुनमुनलाल एक भर्ती निकाल भर्ती, और वहाँ भर्ती में एक शर्त रखा गया है, शर्त यही है कि जे 3 झूठ बोल के सही सही साबित कह दे शेर चुनमुनलाल अपने बिटिया के शादी साथ कह दे, और जे सही सही झूठ न बोल पाए ओका कड़ी से कड़ी सजा मिले। भैया अरे एक बात और, ये भर्ती का समय आज दोपहरिया 3 बजे, जेका जेका भर्ती में शामिल होई खोई भैया अरे जरूर आवत जाया। अब हम चलते ही दूसरे गांव में, और जितना मेहरारू सुनता हाथ गऊ ये मेहरारू खातिर भर्ती न हो, मसेदु खातिर भर्ती है, भैया अरे जरूर आवत जाया। अरे सरवा शादी करे तो ये अच्छा मौका है, रड़ुए मारा तही चली देखी के जान हमारा उम हो जाए, आज झूठे बोले के इतना बढ़िया ऑफर इमें हम भाग जरूर ले भाई। लेकिन सरवा एक शर्त रखी है, जे झूठ सही ठहरा दे वही साथ ओकरे बिटिया की शादी होए। चला यार हमसी बड़ा झूठ बोले वाला के है, यहाँ रोज झूठ हम बोलता ही मरे माई बाबू सही समझते हैं, ओ ससुर सेठ चुनमुनलाल हमारे झूठे सही समझ भाई क्या नहीं है। एक काम करी जाई सेठ चुनमुनलाल के यहाँ, नहीं जितना दूरी उनका घर है ना पहुँचत पहुँचत अन्यार हो जाए, और हमारी नाय पता नहीं कितना झूठ बोले वाले आई हैं, अगर झूठ बोले में हम पीछे हो जाओ सेठ चुनमुनलाल बिटिया की शादी हमारे साथ हो ही ना करे। एक काम करी जल्दी से जाए। अरे सारन सेठियों के देखा जब बिटिया के बियाह ना होत रहे तो डुग्गी पिटवावे लागत थे, का बताई हमार तो बियाह भाई नाही तो हमहू जाए, अब है जाबू करें मेरे को पेल के मार डाले जाए दे।
ये सब ताई खड़ा हो गए हैं, लागत हम लेट हो गए का रही देखी कई बजत है। और ये सरवा अभी तो 2 बजत हैं और इनका सब हम बुला रहे 3 बजे। हमरे बिटिया के साथ शादी करे भी तो इतना ये सब व्याकुल हैं कि 1 घंटा पहले हो या खड़ा हो गया। चला जाए कोनो बात ना ही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ए भैया रे आई बैठ जा जा। ठीक है सेठ आवत है। हे गोधना दूठ कुर्सी ले आओ तब। और जब बिटिया को बुलाई दे। ठीक है मालिक। हाँ छोटी मालकिन। हाँ गोधन चाचा। मालिक बुलान है। क्या था खाती? अरे तोरे सदी खाती सभा बोली आए हैं, वही परीक्षा ले चलता हाँ जल्दी चला। ठीक है चला चाचा आते हैं। ठीक है मालकिन। आई गयो बिटिया। हाँ बाबू। बैठे बैठे। हाथ सबसे पहले के झूठ बोले, खड़ा हो जा। सेठ हम बोलब, हम बोलब। हाथ कवन झूठ बोलबा बोला। सेठ हमार माई रात तरह ही गिनत रहे। ये झूठ में कौनो दम नहीं है। गोधना जी मालिक। सजे देता हूँ। ठीक है मालिक। और सुन रज की कमी सजे दे, कहाँ से पूरा सही बोले बा, बस झूठ बोले कोशिश के बस। ठीक है मालिक। अरे सारे जब तोरे झूठ बोले ना आई आवर तब तक छोटकी मल की शादी कराई चलाए बाग सारे उठाई चलाई है। हाँ तब के बोले। सेठ हम बोला। हाँ तो बोला कहे देर लगाओ ता बोला। सेठ हमें खेत में पानी ना रहा, मैं बाबू लग गए बदलो खोद दे पानी पानी हुई थी। यह कोनो झूठ है गोधना जी मालिक। इनका हमरे लग लिया क्यों तो इनका सजा हम दे भाई। ठीक है मालिक। झूठ बोले आसान समझे हा का हा? ऐसे तोहरी ने सब झूठ बोलते रहा है का अपने बिटिया बिया सब साथे कह दे भैया भाई रख ससुरा यहां झूठ बोले। भगवान री अगर हमहू ऐसे सही सही झूठ ना बोल पाऊ हमरो पिलैया ऐसे होए। एक काम करी इस निकल ली हिम हमार भलाई है। अरे अरे पकड़ पकड़ के सुबह पकड़। अरे जाज मालिक को शादी न करवाइए हुए। अच्छा अच्छा अब के बोले झूठ। सेठ जी हम बोल अब झूठ। हाँ तो हार न मौका हुआ ही हो। लोहबान। लोहबान। हाँ तू कौन झूठ बोलबा तू ऐसे अड़ू गड़ू कौन झूठ बोलबा। अरे सेठ जी पहले सुन तला। हाँ हाँ बोला बोला। सेठ जी हमारे की भेड़ी है ना वो पेल्ला भी आना है। करे बेटी हुआ कतो भेड़ पिल्ला बिया था। नहीं बाबू ये तो साफ साफ जना था सही सही झूठ बोलता है, इनके झूठ में कोनो दम ना जाए। हमहू कैसे लागता है रही जे गोधना से पूछी तो। हां पूछे। करे गोधना ये देखा मालिक मार मुड़ जे खराब करा इस कारण कपस कोनो सही सही झूठ ना बोल पाता मैं मार मुड़ दे सही हो जाएंगे। तो काऊ लखाता है जा तोड़ तार का अपन मुड़ सही कह ले। हां हां मालिक जाते हैं। मालिक पकड़ा। ए मालिक हमका छोड़ दे मालिक। जब झूठ नाई बोले आओ तब का चलाओ थे हां। ए भैया ए छोड़ दे अब दोबारा ना भैया छोड़ दे ए छोड़ दे ले ससुर भाग गा छोड़ाई के। अरे बाप रे बाप जान बचाओ पहाड़ हो गयो भाई। हम तो सोचे चलता ही सेतन बियाह हो जाए सेठ चुनमुन लाल के बेटी के साथ एकदम बड़वार सेठ महू बन जा भाई। लेकिन सरवाना ऐसे मार मारे हैं ना हमारे पिछोड़ा बस धुआं निकला था ऐसे मार भाई हम जिंदगी में ना भूला भाई। हरे राम हो हरे राम हो। अरे जाए पिया जवानी हमर जरा ही गैला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भूलिए गैला ना एगो नचनिए कारण कन का हो भैये कैसे लंगड़ात है। अरे भाई साहब का बताई बहुत मार पड़ी है। कहो भाई
तोहका के मारे से यार सेठ चुनमुन लाल और उनकर नौकर दुनिया ने मिल हमका खूब मारे हैं भाई। अच्छा कथा खातिर मारे न? सेठ चुनमुन लाल पूरा गांव में ना ढिढोरा पिटवाए न, कहन जे तीन झूठ के सही साबित कर दे ओकर शादी अपने बिटिया के साथ करवाई दे भाई, और जे तीन झूठ के झूठे साबित कर पाए ना ओका बहुत बड़ा सजा मिले, और भाई तीन झूठ के हम झूठे साबित कर पाए बहुत मार खाए ही। अच्छा हाँ एक काम करा भाई तू जा जल्दी सेठ चुनमुन लाल के यहाँ तू लाइन लगा लिया, कहे से कि तहार भेषभूषा देख के ना हमका लागत है तू झूठ बोल ले बा, अगर तू झूठ बोल रही गया ना सेठ चुनमुन लाल की बिटिया की शादी तोहरे साथे हो जाए। काव के है भाई सही सही? हाँ और को इतना वीआईपी मेहरारू तू पहुँचे नहीं कर बा। तब तो हम जात जरूर। जा जल्दी से यार लखत का हुआ है अब है भूख हो जाए। अच्छा सही और को हम जाते हैं बहने जा। अरे राम हो सारे ने जब झूठ बोले सहुन ना ने तब का सेठ बिटी सारे बियाह करे चला जा बचाई ना जहाँ चलन जना बहुत मार सब क्यों ना झूठ बोल पर अरे सर वही का देखा एक जूता घोड़े में एक जूते छातन टांगे है और इतना तेज घाम भवाट है छतो बंद करे है कहो भाई ये तो हर नमो का हुआ है वो हमार नाम है झूठ बोलवा। अरे सरवा एकर नमो झूठ बोलवा है हमें लागत है सही सही झूठ बोल ले का रुको बुलाई तब ए भाई ये हिया बताओ कहो राजू इतना तेज घाम भवाट है धरती पूरे गर्म भाई बाट है तू जूतो गड़ोम पहन लीन होता और ये छतवा लीना है ये खोल को ओढ़ लीन होता। अरे सेठ जी ये हमार फैसा न है एक सब छोड़ा पहले जौन कर आई ही ओका करावा। अच्छा अच्छा सामने आओ हाँ अब बोला झूठी बोला। सेठ जी जब माघ पूस में लुआर बहा था जेका लोग कहा थे तब हमारे माई उहे लुआरवा चादरम भर के रख दे थी। लुआर चादरम भर के रख दे थी ओका का करा थी रुको पूछी तब आगे का बतावा था। अच्छा ओका का करा थी जेठ के महीना में हमारे बाबू हर जोता थे और हमारे माई उही लुअरवस खाना बना के ले जाती हमारे बाबू दे थी और खाना में काव ले जाती आम और रोटी तब हमारे बाबू रोटी के खा लेते मोचूस लेते ओकर जौन कुसुलिये बचा था ओका बर्धोक पिठिए पर रख देते तब बर्धोक पिठिए पे आमे पेड़ जामा था तब हमारे बाबू अमोक तरह छहाबो करते वैसे हरव जोता थे। अरे राम हो ये तो दुई झूठ सही सही बोल रही वह ये तीसर का झूठ है चलते ही एक पूछा ही अगर ये सही सही न बोल पाए तीसर का झूठ न तो इनकर जवान पिलाइए करब जवान पिलाइए करब न ये सोचे न हो सुन ला अगर तीसर का झूठ सही सही बोले मृत्यु गलती क्या है ना तो ओका सीधा सूली चढ़ाए उठे। ठीक है सेठ जी का बताई हमारे माई बाबू रोज घरे खूब झगड़ा करत रहे न और हमार मेहरारू हमका छोड़ कर नैहरे चली आई एकर कारण का रहा तू हमारे बाबू 30,000 रुपये कर्जा ले रहा ब्याज के बातें छोड़ा मूर तक दैन ना पाया तू यही खातिर तोहार बिटिया यानी खमार मेहरारू या तोहरे बगले बैठी भी अब मर्यादा खिलाफ होत बाटे सेठ जी यही खातिर इज्जत से कहा तही अपने बिटिया हमारे साथे विदाई कह दे लिया चला जाए इनका घरे। अरे बिटिया जो नहीं जुटिए बोले तो बसंत बा। हाँ बाबू ये जौन झूठ बोले सब सही सही बोल के साबित कर दिए और न सामने सब दिखाता हुआ है एकर मतलब तुम्हें लड़के पसंद है? हाँ हमका लड़के पसंद है बाबू। तब तो हर शादी कराए दे दही से। ठीक है कराए दे बेटवा जितना शर्त रख रहा है ना तू सब पूरा कर दे अब तू जा घरे अपने शादी की तैयारी करा अब हमारे बेटी की शादी तुम्हारे साथ पक्की हो गई। ठीक है सेठ जी जात ही नमस्ते। नमस्ते बिटिया। हाँ अब तू चला अंदर। ठीक है। हाँ चला।